बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। लास्ट वीडियो मैंने बनाई थी सोलर सिस्टम पे, जस्ट मैंने अपना एक्सपीरियंस ही आप लोगों के साथ शेयर किया था कि हमने सोलर सिस्टम लगवाया और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो लगानी पड़ती हैं, किन किन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है, यानी आप नुकसान से बच सकें। काफ़ी दोस्तों ने पूछा कि आपने वीडियो तो बना दी लेकिन आपने इन्वर्टर कौन सा लगवाया, ये कंपनी का नाम नहीं बताया, तो ये मैं आपको बता दूँ। इसके साथ साथ मैं आपको इस सीरीज के जितने भी इन्वर्टर हैं उनका भी बता दूंगा। तो ये जो हमने जो इन्वर्टर सेलेक्ट किया, जो लगवाया, ये है पावर एक्स कंपनी का है, रोशन 7500। ये सीरीज नंबर है इनका, पावर एक्स ब्रांड हो गया, कंपनी हो गई, और रोशन 7500 ये सीरीज नंबर हो गया। ये MPPT हाइब्रिड सोलर इन्वर्टर है। तो रोशन में इनके और भी सीरीज नंबर हैं जो इससे पहले थे। इनका पहला जो नंबर था रोशन 2200, फिर उसके बाद आ गया रोशन 3200, फिर रोशन 6500, और ये लेटेस्ट वर्जन जो है रोशन 7500। इससे पहले जो इनकी थी सोनिक में थी, हेलियस में थी, उनके भी मैं आपको बता देता हूँ। हेलियस में जो इनकी सीरीज थी वो थी हेलियस 6500 और हेलियस 7500, और सोनिक में थी इनकी 2200, फिर उसके बाद सोनिक 3200, और इसी तरह 6200 और 7200। इसी तरह जिंको था, जिंको में भी 7500 और 8500 ये सीरीज इनकी चल रही थी। तो इनका जो रोशन का लेटेस्ट वर्जन यही है रोशन 7500, और इसके बाद जो लेटेस्ट जो आई है इनकी पावर एक्स की वो टाइटन है, टाइटन 12200 यानी 12200। तो ये होगी इसकी डिटेल्स। और एक दोस्त का कमेंट था जो काफ़ी दिलचस्प कमेंट था, यानी आप पढ़ भी सकते हैं। उसने कहा था कि ये जो इंस्टॉलेशन है ये किसी मेरी तरह के बेवकूफ़, यानी उसने वैसे ही इस्तेमाल किया लफ्ज कि मेरी तरह के किसी बेवकूफ़ टेक्नीशियन ने ही इंस्टॉल किया, कि उसके रीज़न ये बताई कि ये जो DP बॉक्स इसने बिल्कुल सोलर इन्वर्टर के नीचे फिक्स कर दिया है। तो यहाँ ये होता है कि अगर कभी भी यहाँ मसला हो तो इस अगर कोई किस्म का स्पार्क हो तो डायरेक्टली इन्वर्टर जो है ना इसको अफेक्ट पहुंचेगा। तो ये आप भी जानते हैं, जो भी बंदा नया सोलर सिस्टम लगवाता है वो फिर टोटली जो है वो टेक्नीशियन के रहमो करम पर होता है कि वो जैसे ही फिक्स करेगा, जाहिर है उसका भी एक एक्सपीरियंस होता है, वो पीछे लगाता आ रहा है, दूसरों के वो उसने लगाए होते हैं। कोई पहला ये नहीं होता कि आपके घर का सोलर सिस्टम वो फर्स्ट टाइम लगा रहा है, तो वो अपने तरीकेकार से लगाता है। अल्लाह ना करे ऐसी स्पार्किंग हो। जहां तक रिजल्ट की बात है, अगर मैं रिजल्ट की बात करूं तो बेहतरीन अभी तक चल रहा है। उम्मीद है ये आपके सवालों के जवाब भी क्लियर हो गए होंगे और इससे आपको कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन भी मिल गई होगी। जब भी आप आगे को अपना सिस्टम लगवाना चाहेंगे तो आपको कोई फायदा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।